ओके सर, रिपीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में मैथमेटिक्स की क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस का जो कल तक हमारा क्लास में टॉपिक हुआ था उसी से आगे चलेंगे। और आज हम चैन रूल, यहाँ पे चैन रूल पे जो आधारित क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और चैन रूल हमारा क्या है? चैन रूल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी टी और इंटू डी टी बाई डी एक्स। इस तरीके से ये ब्रेक होता चला जाता है। और चैन रूल में हम क्या करते हैं, फंक्शन और फंक्शन यानी कि जो फंक्शन का फंक्शन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो। चलिए, ये आपका जो चैन रूल है हमारा, जो कल तक के हमारे या पिछली क्लास में जो हमने बेसिक डिवाइड रूल तक का कर लिया था उसके बाद चैन रूल का यूज होता है। और चैन रूल में दो तीन या चार कितने भी फंक्शन हो सकते हैं, इनको कंपोजिट फंक्शन भी कहा जाता है। तो वहां हम इस रूल का यूज करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। यानी कि हम फंक्शन में एक बार टी मानेंगे तो ये आपका कंसेप्ट होगा, ये फॉर्मूला लगेगा। और यदि हम इसको जो है दो बार टी मानते हैं या एक बार टी और एक बार जेड मानते हैं तो ये हमारा जो फंक्शन है वो तीन जगह थ्री टाइम्स ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक हो गया तो डी वाई बाई डी टी, डी टी बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस पर आधारित है। जैसे वाई इज इक्वल टू साइन थ्री एक्स, तो हम साइन एक्स का डिफरेंशियल तो जानते हैं लेकिन यहाँ पर जो है ये थ्री आपका एक्स्ट्रा है तो साइन थ्री एक्स का जो डिफरेंशियल है वो हम टी मान के करेंगे। तो ऐसे वैल्यू को टी लेते हैं कि हम फॉर्मूला जो है वो बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकें। जैसे यदि हम थ्री एक्स को टी मानते हैं तो थ्री एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये आपका हो जाएगा साइन टी बन गया। तो हम साइन टी का डिफरेंशियल तो अलग करेंगे तो ये तो आपकी होगी फर्स्ट टर्म यानी कि डी वाई बाई डी टी लिखा हुआ है, जो क्योंकि डी बाई डी टी तो सेम रहा और वाई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा साइन टी हो गया इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो ये आपकी टर्म हो जाएगी डी बाई डी एक्स ऐसा ही रहा और टी की वैल्यू पुट कर देंगे थ्री एक्स। अब साइन टी का डिफरेंशियल हो गया कॉस टी और थ्री एक्स का हो जाएगा आपका थ्री और यहाँ टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो डिफरेंशियल हो जाएगा। इन फॉर्मूलों को हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि साइन ए एक्स का हम डायरेक्ट डिफरेंशियल करें तो ये आपका हो जाएगा ए कॉस ए एक्स, या ये मान के चलिए कि जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ या किसी भी फंक्शन में जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो वो आपकी मल्टीप्लाई में आ जाती है। इंटीग्रेशन की जब बात करेंगे तो इंटीग्रेशन में ये वैल्यू डिवाइड में आ जाती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। जैसे नेक्स्ट है आपका वाई इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, तो यहां भी देखिए ये हमारा डबल फंक्शन है, एक साइन एक्स अलग है और एक्स क्यूब अलग है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकें इस तरीके से हम इसको टी मानते हैं क्योंकि तो टी मानने वाला कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी पे बेस पूरा डिफरेंशियल चलता है और फिर इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होता है। तो ये एक्स क्यूब को हमने टी मान लिया तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स है इसको हमने टी मान लिया। तो अब ये इस तरह से दो जगह ब्रेक होगा आपका ए डी वाई डी टी और एक्स क्यूब को टी मान लिया तो ये आपका हो गया साइन टी और डी वाई डी एक्स ये सेकेंड टर्म। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये डी तो टी की आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए एक्स क्यूब। अब हम डिफरेंशियल करेंगे तो साइन टी का जो डिफरेंशियल है अब हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो साइन टी का होता है कॉस टी, ये आप सभी जानते ही हैं और बल्कि साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहें, आपके सवाल यस सर। करते रहें साथ साथ, जो नहीं हो पाता है उसको साथ साथ यहाँ देखते रहें। एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, अब यहाँ टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया और यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दी तो कॉस एक्स। ठीक है,
और आगे चलते हैं। नंबर थर्ड, ये एक्स क्यूब ना होके मान लीजिए क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू अंडर रूट टेन एक्स, ये है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें टी मानना है। जैसे ही हम टेन एक्स को टी लिखेंगे तो जैसा ले सकते हैं दैट टेन एक्स इक्वल टू टी, तो ये आपका फंक्शन जो है इसी तरह ब्रेक होगा डी वाई बाई डी एक्स। पहले तो टेन एक्स की वैल्यू यहाँ रखें तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट टी, तो ये फंक्शन हो गया आपका डी बाई टी टी अंडर रूट टी और इंटू डी बाई डी एक्स, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो टेन एक्स। आप इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि पहले किसी फंक्शन को टी मानते हैं, फिर हम बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, और फिर जो है जिसको टी माना गया उसका डिफरेंशियल करते हैं। अब डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट टी है, तो अंडर रूट टी का जो डिफरेंशियल है जो बेसिक होता है, तो जैसे रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है ऐसे रूट टी का करेंगे तो टी की पावर वन बाई टू वाली फॉर्म से करेंगे, तो वन अपॉन टू टी की पावर वन अपॉन टू माइनस वन, और टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया sec स्क्वायर एक्स। ओके, ये हो गया वन अपॉन टू टी की पावर वन अपॉन टू माइनस वन, तो माइनस का वन अपॉन टू इंटू sec स्क्वायर एक्स, और टी को अपॉन में ले जाते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बाकी डिफरेंशिएशन को हमारा हो चुका। ये हो गया वन अपॉन टू और ये अपॉन में जाएगा तो प्लस की पावर हो जाएगी, इसको हम रूट टी या टी की पावर वन बाई टू, और ये sec स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लिख देंगे वन अपॉन टू अंडर रूट टी, और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टी की वैल्यू क्या है हमारी टेन एक्स और sec एक्स, ये आपका sec स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, तो साइन एक्स क्यूब की तरह जो क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं cos x क्यूब, tan x क्यूब, sec x क्यूब, या sec x की पावर 4, sin x की पावर n, तो इस तरह की कंडीशन के सारे क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। और y इज इक्वल टू अंडर रूट टेन एक्स है, तो इस तरीके के हम जो क्वेश्चन करेंगे अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट cos x, अंडर रूट cot x, वो सारे हमारे इस टाइप से होंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सर। लेकिन हम टी तो टेन वहां पे टेन एक्स को जब आपने टी माना, ये तो हम इंटीग्रेशन में मानते हैं ना टी, जब इंटीग्रेशन में मानते हैं वहां सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, वहां इंटीग्रेशन में जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड है वहां भी हम टी मानते हैं, बल्कि ये बहुत अच्छा पूछा है आपने, वहां पे जब हम टी मानेंगे तो वहां डिफरेंशियल भी करना होता है, जिसको टी मानते हैं तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन में वहीं पे यूज होता है जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। ठीक है, तो वहां टी मानते हैं वो इंटीग्रेशन का मेथड है और उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यहाँ जो हम टी मान के ये कंसेप्ट लेके चल रहे हैं ये हमारा क्या है डिफरेंशिएशन, और इसको कहते हैं चैन रूल से। ठीक है, चैन रूल इसलिए कहा जाता है कि जितनी बार भी हम इसको टी मानते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई के साथ जो है बढ़ता चला जाता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स इस तरीके से। ठीक है, यस सर, चले आगे। यस सर, नेक्स्ट जो टाइप है इस टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता था, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, तो ये हमारी जो पावर है ये होल क्यूब है। हर एक टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ और इसी टाइप के आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब हम टी पुट करेंगे वही लेंगे लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। देखिए साइन एक्स को जैसे ही हम टी पुट करेंगे तो आप इसको माइंड में भी सेट कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया टी क्यूब, बल्कि कंपटीशन के लिए हम इसको जो है टी वाले कंसेप्ट को माइंड में भी तेजी से कर सकते हैं, तो ये आपका टी क्यूब हो जाएगा। टी क्यूब का डिफरेंशियल ध्यान कीजिए क्या होगा, थ्री टी स्क्वायर, और फिर जिसको टी माना है उसका भी डिफरेंशियल करते हैं, और टी जिसको माना था साइन एक्स को, अभी हम फिर से फार्मूले से ही करेंगे और उसके बाद हम इसको शॉर्टकट या शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ये होगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई डी टी
और ये आपका क्या हो गया टी क्यूब, क्योंकि हमने साइन एक्स को टी माना है, और ये अब आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और टी की वैल्यू रखी है साइन एक्स। बस इतना काम करना होता है, ये टी वाला कंसेप्ट है, और ये टी वाला कंसेप्ट आपका अच्छा हो जाता है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आपके अच्छे हो जाते हैं। अब टी क्यूब, और टी क्यूब का डिफरेंशियल कीजिए। देखिए ये मान सकते हैं कि टी वाला कंसेप्ट इसलिए चलता है क्योंकि तो टी मानने से हमारी ये फॉर्म बन गई, और ये क्या है बेसिक फॉर्म में जो एक्स की पावर एन वाला डिफरेंशियल करते हैं, तो हम यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं। तो ये हो गया थ्री टी स्क्वायर, और साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, और बस यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका हो जाएगा थ्री और साइन एक्स का होल स्क्वायर और कॉस एक्स, ये आपका ठीक है। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, ये साइन क्यूब एक्स है जैसे कोस क्यूब एक्स, टेन क्यूब एक्स, सेक क्यूब एक्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इस तरह से। नेक्स्ट जैसे ये आपका लोग साइन एक्स वाई इज इक्वल टू लोग साइन एक्स, आप भी रजिस्टर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ, तो जो कर सकते हैं वो साथ साथ करिए और बताइए क्या आंसर आया। यहाँ हम क्या करेंगे साइन एक्स को टी मान लेंगे, और तेजी से स्पीड से करने की कोशिश कीजिए। साइन एक्स को यदि हम टी मानते हैं तो ये आपका होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी टी, पहला फंक्शन टी का बनता है, और साइन एक्स को हमने टी मान लिया तो ये आपका हो गया लॉग टी। देखिए टी मानने की वजह से ही हमारा ये क्या बन गया लॉग टी बन गया, और अब हम लोग टी का डिफरेंशियल कर सकते हैं। लेकिन जब टी मानते हैं तो जिसको टी माना गया उसका भी डिफरेंशियल किया जाता है, तो टी की वैल्यू क्या है साइन। अब हम यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशियल कर सकते हैं और यहाँ लॉग टी का कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, सर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके अभी चेक करते हैं लॉग टी का डिफरेंशियल क्या होगा हमारा कॉस एक्स, और ये साइन लॉग टी, सॉरी लॉग टी का क्या होगा वन अपॉन टी, और साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, और अब यहाँ टी की वैल्यू पुट कीजिए तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये क्या हो गया आपका कोट एक्स, कोट एक्स ठीक है यही आ गया आपका, तो ये आपका कोट एक्स हो गया। अब जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां ये कोरिलेट हो जाएंगे आपस में, ये हमने डिफरेंशियल किया लॉग साइन एक्स का, ये क्वेश्चन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये फॉर्मूला ही है हमारा, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल है हमारा कोट एक्स, और कोट एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो लॉग साइन एक्स होगा ठीक है। हालांकि ये सब चीजें जब इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे उस समय पर आएंगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन में फिर से लिखता हूं, बताइए इसका क्या आंसर आएगा। y इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x, कोई तेजी से करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं एक मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और मैं साथ साथ करता हूँ, इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। तो क्या लेंगे हम, यही लेंगे लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू टी। देखिए टी मानने का कंसेप्ट तो पता चल ही गया होगा, इसको टी मान लिया था ये हमारा लॉग टी हो गया, और लॉग टी का हम डिफरेंशियल कर सकते हैं, तो ये आपका फिर हो गया डी वाई बाई डी एक्स, जब डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई और डी बाई डी एक्स, जिसको टी मानना है उसका डिफरेंशियल भी अब हम करेंगे। बताइए किसी ने कर दिया हो तो कितना है आपका आंसर, log t का डिफरेंशियल होगा वन अपॉन टी, सर sec x आया इसका, कितना आया बताना बेटा sec x, sec x बिल्कुल ठीक है sec x ही आएगा, ये भी हमारा फॉर्मूला ही है और इंटीग्रेशन में भी आता है। अब यहाँ पहले इसका डिफरेंशियल कीजिए, मैं कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूँ, तो sec x का sec स्क्वायर x आ रहा है sec x * tan x, चेक कर लीजिए यहाँ पर, कोशिश कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, साथ साथ कोशिश करते हुए चलिए, और tan x का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर, ये तो हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले यूज हो गए हैं, और
अब यहाँ जगह टी की वैल्यू पुट करके तो टी किसको माना हुआ है, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, और यहां से sec x हम कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए जब sec x कॉमन करेंगे तो यहाँ आपका क्या बचेगा, sec x कॉमन किया तो यहाँ आपका हो गया tan x और यहाँ पे आपका बच गया sec। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x सेम है तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा sec x, और होता भी यही है फॉर्मूला। डिफरेंशियल हम देखिए हम लोग sec x प्लस tan x का डिफरेंशियल है sec x, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x का जो इंटीग्रेशन है वो ये होता है, तो यहाँ चले आगे सर। चलिए एक क्वेश्चन में आपको जो है दिल मांगने वाले कंसेप्ट का ही पहले आप देखते हैं उसको करके देखिए। नेक्स्ट है आप ये केवल प्रैक्टिस के लिए log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपका इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वही टी मानना है और जो आप साथ साथ कर सकते हैं वो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, ताकि यदि कहीं पे कोई गलती भी होगी तो आप यहाँ से जो मिस्टेक होगी तो चेक कर लेंगे और हो जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको क्या लेंगे हम, टी को कर दिया। हाँ कुछ कह रहे थे बताइए सर, टी स्क्वायर से नहीं होगा, कितना कितना होगा, टी स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो फिर बाद में हमें फिर भी टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, जब टी का डिफरेंशिएशन करते हैं, और टी स्क्वायर से भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन क्योंकि हम जो है टी की वैल्यू जब यहाँ रखते हैं तो यहाँ डिफरेंशियल करना होता है, तो यहाँ फिर भी टी की वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे भी हो जाएगा उससे भी हो जाएगा। तो ये आपका जो फॉर्म है क्या लिखा जाएगी, डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स सॉरी डी वाई डी टी, क्योंकि ये फंक्शन तो टी में ही चेंज होता है, तो डी बाई डी टी और ये कितना हो गया लॉग टी, और डी बाई डी एक्स और ये क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लॉग टी का डिफरेंशियल करेंगे तो वही आपका हो गया वन अपॉन टी, और अब यहाँ इसका करना है तो यहाँ हमें क्या होगा कि इसको एक बार और मानना होगा, जैसे कि चैन रूल में बताया गया था कि अभी तक हम टी मानने वाला कंसेप्ट सी कर रहे थे तो हमारे हमेशा दो फंक्शन बन के आ रहे थे, अब हम इसको एक बार और मान लेंगे तो आगे ये फंक्शन फिर से दो जगह ब्रेक होगा, तो ये कह सकते हैं कि अंडर रूट में जो वैल्यू है उसको लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको जेड मान लीजिए, जब जेड मान लिया तो अब ये फंक्शन दो जगह आपका ब्रेक होगा, एक तो जेड के साथ डी बाई डी जेड अंडर रूट जेड और फिर डी बाई डी एक्स जिसको जेड माना हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि अब हम जो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं उसमें हमने दो बार मानना पड़ा है, और इसमें आप दो बार मान सकते हैं, दो बार तीन बार कितने भी टाइम्स, थ्री टाइम्स फोर टाइम, तो ये आपका जो है क्वेश्चन इसी तरीके से इंक्रीज होता चला जाएगा। अब यहाँ वन अपॉन टी अंडर रूट जेड, अंडर रूट जेड का डिफरेंशियल क्या होगा, वन अपॉन टू अंडर रूट जेड, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि रूट एक्स जो है हमारा अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशियल है वो वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स होता है, उसको अलग भी सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशियल जीरो होगा और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू एक्स, ठीक है, पूरा टू कैंसिल हो गया। अब यहाँ हम टी और जेड की वैल्यू रख देते हैं तो एक्स अपॉन, तो टी क्या है हमारा, ये था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और जेड की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
ये आपका ये बन गया x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a। ये क्वेश्चन मैंने जो है केवल प्रैक्टिस के लिए लिख दिया था, लेकिन इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते थे कि इधर बता देता हूँ भाई, केवल p वाले कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा था। इसको हम ये भी कर सकते थे y इज इक्वल टू, ये होता है हमारा log m की पावर n इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो जाता है n log m। तो हम इस क्वेश्चन को ये भी कर सकते थे कि y इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी थी, ये 1/2 और 1/2 थी, तो ये पावर आपके स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो 1/2 log और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे तो केवल एक बार t मान के ही हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t मान लीजिए, तो ये आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो ये आपका हुआ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2, तो कांस्टेंट है लग रहा, तो dy dt ये आपका बन गया log t और dy dx अब t की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर log t, तो log t का डिफरेंशियल हो गया हमारा 1/t और x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल और अब बस केवल t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए सॉरी यहाँ ये अंडर रूट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे होल स्क्वायर कह दीजिए पूरे का, तो ये अंडर रूट कट जाएगा। आ गया समझ में आपको, चले आगे। यस सर, यस सर, चलिए। असल में ये क्वेश्चन जो है मैं लिखना और चाह रहा था, उसमें एक टर्म रह गई थी, मैं और लिखता हूँ क्वेश्चन को फिर से, कि थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका ये है कि y इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखना ये है कि आप इसकी कैलकुलेशन पूरा करके दिखाएं, ये वो पहले में हमने लिखा था log अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो वो हमने सॉल्व किया था यहाँ दूसरे मेथड से किया, ये था असली क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, तो बताइए इसको कैसे कैलकुलेशन करके, और इसको देखिए डिफरेंशिएशन कितना आएगा आपका, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर मैं बताऊंगा इसको। कर रहे हैं आप सवाल ये वाला, इसको कंप्लीट सॉल्व करके देखना है क्योंकि ये भी इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है। हम ये बताएंगे 1 x + अंडर रूट x² + a² ब्रैकेट में 1 + 3/2 अंडर रूट x² + a² * 2x। हां इसको अभी कंप्लीट सॉल्व करो और कंप्लीट में जो है देखो कहीं एलसीएम वगैरह लेके या क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये भी हमारा फॉर्मूला है कि जो इंटीग्रेशन में भी यूज होता है, और इनको कराने का मेरा जो मकसद है एम है वो यही है कि ये इंटीग्रेशन से कोरिलेट हो जाए साथ साथ ही, क्योंकि जब हम वहां इसको पढ़ेंगे तो हमें ध्यान आ जाएगा कि हाँ इस तरह का डिफरेंशियल हम करते थे। चलिए x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इनटू में क्या आया आपका चलिए अब आप यहाँ से इसको चेक करिए, मैं यहाँ से बताता हूँ, पहले आपने प्लस ए स्क्वायर ओके। चलिए अभी आप चेक करना बताना किसका ठीक है,
यदि आपने कर दिया इसका मतलब है डिफरेंशियल आपका अच्छा है और कंसेप्ट आपके क्लियर होते चल रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी टी। यहाँ तक आपने कर दिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और डी वाई डी एक्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ लॉग डी का डिफरेंशियल आपने इजीली कर दिया होगा वन अपॉन डी, और यहाँ भी इजीली कर दिया होगा। ये जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मैं डिफरेंशियल आपको अलग करके बता देता हूँ। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है तो ये आपका होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी मान के होगा। तो ये आपका आ जाएगा, क्लियर है, दिखाई दे रहा पूरा आपको साइड का। तो यहाँ आपका जो होगा डी बाई डी टी अंडर रूट टी और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतने से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम डिफरेंशियल करते हैं, तो लॉग टी का डिफरेंशियल जो आपका हुआ तो ये आपका आ गया वन अपॉन टी, और अब यहाँ जब डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन हो गया, और यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ये इस तरह से होगा। तो क्या हुआ, रूट टी का कितना होता है वन अपॉन टू अंडर रूट टी, जैसा रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, और अब यहाँ जो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा और ए की वैल्यू क्या होगी जीरो, तो ये टू से टू कैंसिल और एक्स अपॉन अब यहाँ टी की वैल्यू रखी है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, तो इसका जब हम कंप्लीट डिफरेंशियल करेंगे, अब यहाँ जब आप इसको जो है शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे ये तो हमने टी मान के किया, अब शॉर्टकट भी स्टार्ट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी मान लेंगे तो ये आपको हो जाएगा अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी का होता है वन अपॉन टू अंडर रूट टी, और टी की वैल्यू रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू फिर एक्स स्क्वायर का करते हैं तो टू एक्स, ये टू से टू कैंसिल हो गया, या ये आपको जो है हमने यहाँ साइड में करके भी बता दिया किस तरीके से ये डिफरेंशियल होगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये, वन अपॉन टी तो टी की वैल्यू तो ये है हमारी, तो वन अपॉन टी की वैल्यू रखी है यहाँ पर तो ये हो गया एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, और ये जो आपका है इसको सॉल्व करना है तो ये कितना है यहाँ पर वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी हमें इसको और सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेके यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और ये वाली टर्म आपकी ऐसी रहेगी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप इसका एलसीएम बताइए तो एलसीएम क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स। अब देखिए ये एलसीएम लेने के बाद सोल्व करने के बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ गई है तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, अब क्या बच गया यहाँ केवल ये बच गया वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका डिफरेंशियल है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए ये जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो हमें वहां मिलेगा इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो यही होगा, इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारा यही होता है log x plus under root x square plus a square, और एक दूसरा होता है हमारा log x plus under root x square minus a square, यदि माइनस हो तो हमारा यहाँ कैलकुलेशन करके सोल्व होके आएगा वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आ गया ये आपको समझ में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ कुछ पूछना हो तो पूछिए, चले आगे। यस सर, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट
ये जो कंसेप्ट हमारा चल रहा है ये पूरा का पूरा चैन रूल है, और आप चैन रूल पे ही कमांड बनाइए, तो चैन रूल पे जैसे ही कमांड बनेगी तो सारा डिफरेंशिएशन आपको इजीली समझ में आता चला जाएगा और आपका जो है बढ़िया अच्छा हो जाएगा डिफरेंशिएशन। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन दिया जाता है, आप भी कैलकुलेशन करेंगे और मैं भी देखता हूँ प्लस साथ आपके लिए। ये है आपका नेक्स्ट, वो एक्स्ट्रा कराया गया था जो बाकी दोनों हुए थे, वाई इज इक्वल टू लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई। अब हम थोड़ा सा इसको शॉर्टकट यानी के डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो सीखने की कोशिश कीजिए कि पहले यदि हम टी मानते तो किसको मानते हैं, हम इसको टी मानते हैं टेन एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई फोर। आप इसको माइंड में सेट करिए, तो ये आपका होगा डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स, जो कर सकते हैं वो साथ साथ करते हुए चलें और बताएं जरा कितना आंसर आ गया। बाकी यहाँ देखिए, तो जब हम इसको टी लेंगे टेन एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई फोर को, तो ये आपका हो जाएगा लॉग टी, और लॉग टी का डिफरेंशियल क्या होता है, लॉग टी का डिफरेंशियल होता है वन अपॉन टी, तो जो टी आपने माना हुआ है वो यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दीजिए साथ साथ, तो टेन एक्स बाई टू और प्लस फाइव बाई फोर। तो जैसे जैसे फंक्शन आप टी या जेड मानते चले जाएंगे माइंड में, उसकी वैल्यू और उसका डिफरेंशियल करते हुए चले। और हमने इसको जब टेन एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई फोर है, चलिए मैं यहाँ एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ टेन एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई फोर, एक बार तो आप इसको टी मान लेंगे और सेकेंड टाइम में आप एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई फोर को टी मान लेंगे, ऐसे लिख दिया है लेकिन पूरा मान नहीं रहे हैं, केवल हम शॉर्ट करने के लिए एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई फोर हो रहे हैं। अब देखिए जरा, जब हम एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई फोर को टी पुट करेंगे माइंड में ही टी पुट करिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन टी, और टेन टी का क्या होगा डिफरेंशियल स्क्वायर, और टी की वैल्यू रख दीजिए एक्स बाई टू और प्लस फाइव बाई फोर। ठीक है, इसका मतलब है कि हम यहां तक कर चुके, और जब हमने दो सेकेंड टाइम में एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई फोर को जेड माना है या टी माना है, तो अब हम इसका और करेंगे तो क्या होगा, एक्स बाई टू का डिफरेंशियल करेंगे तो वन बाई टू और प्लस फाइव बाई फोर का क्या हो जाएगा जीरो। तो ये इसमें फिर आपको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल माइंड में ही सेट करते हुए चले हैं और ये डायरेक्ट आप डिफरेंशियल कर सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको करते हैं, तो ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको साइन कोस में चेंज कर लीजिए, तो साइन कोस में चेंज करेंगे तो वन अपॉन साइन एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई फोर। आप भी साथ साथ चेंज करते हुए चलिए और बताइए कैलकुलेशन करके क्या आपका आया है, अपॉन कोस एक्स बाई टू और प्लस फाइव बाई फोर इंटू सेक को कोस में चेंज करते हैं तो वन अपॉन क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस के फाइव बाई फोर। ठीक है, इंटू वन बाई टू, ये आप पे एक टर्म कैंसिल हो जाएगी तो आपका क्या बच गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन सर सेकंड सा रहा है, कितना आ रहा है सेक एक्स सेक एक्स। चलिए चेक करते हैं, और किसी का भी आया सेक एक्स बताइए, या कोस आया हो या कुछ और आया हो चेंज होकर बताइए। तो यहाँ टू को स्टार्टिंग में लिख देते हैं टू साइन एक्स बाई टू और प्लस फाइव बाई फोर इंटू कोस एक्स बाई टू और प्लस फाइव बाई फोर। तो यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई, या आपने जो है 10th 11th क्लास में कहीं आपने पढ़ी होगा पढ़ा होगा ये साइन टू एक्स। तो क्या होता है साइन टू एक्स इज इक्वल टू होता है टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखिए जो हमारी आइडेंटिटी होती है हम उसको जो है किसी भी रूप में चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो इट मीन्स क्या है हमारा
कि ये जो यहाँ एंगल है, जब हम फॉर्मूला ओपन करते हैं या आइडेंटिटी ओपन करते हैं तो एंगल हाफ हो जाता है। तो जब हाफ हो गया तो ये इसी तरीके से आप कितने भी फॉर्मूले यहाँ बना सकते हैं। जैसे यदि हम साइन एक्स को लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं टू एच ही रहेगा और यहाँ एंगल का हाफ कीजिए और कोस एक्स बाई टू, ये भी फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। अब यदि मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है साइन फोर एक्स है तो एंगल का ही हाफ करना है, टू सेम रहा और साइन फोर एक्स का हाफ कितना होगा टू एक्स और ये भी आपका कोस टू एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं तो ये क्या है आपका, इसको देखिए कि टू साइन एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई फोर, तो एंगल तो सेम है और जब हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो आइडेंटिटी क्या करेगी कि हमारे एंगल को डबल कर देगी, तो डबल करने पे ये आपका बनेगा वन अपॉन टू एस ही रहा, सॉरी ये क्या होता है टू साइन एक्स कोस एक्स, तो इसका रिवर्स यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाता है साइन टू एक्स, तो ये हो जाएगा साइन टू और एक्स बाई टू और प्लस वाई बाई फोर, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको, टू साइन एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई फोर, ये एंगल साइन के साथ है और ये कोस का है, आइडेंटिटी यूज की हमने साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा आपका x और प्लस उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से टू यहाँ फोर कैंसिल होगा तो टू बचेगा आपका, तो ये आपका हो गया साइन एक्स प्लस y, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा साइन फाइव बाई टू प्लस थीटा, ये भी आपने कहीं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ होगा, ये आपका साइन फाइव बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा, तो यहाँ इसको हम इससे चेंज करेंगे तो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन क्या लिखा जाएगा यहाँ कोस एक्स, जो थीटा है थीटा की जगह हमारा क्या है यहाँ एक्स है, साइन 90 और प्लस एक्स या साइन फाइव बाई टू प्लस एक्स भी आपको हो गया कोस एक्स, और ये किसका रेसिप्रोकल होता है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक, ये सेक एक्स है। तो ये कंपटीशन में कई बार ये पूछा हुआ है कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा और वहाँ जो आपके ए बी सी डी ऑप्शन होते हैं तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा सेक एक्स कोस एक्स टेन एक्स या कोट एक्स, इस तरह के दिया हुआ होता है तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ पूछना हो तो पूछिए, एक ने बताया था शायद किसी का सेक एक्स आया था, चले आगे चले, चलिए कहीं कोई प्रॉब्लम है कोई पूछना चाहते हैं तो वो बीच में पूछ सकते हैं और बाकी हम आगे चलते हैं। ये हम चैन रूल पर जो डिपेंड क्वेश्चन है उनको कर रहे थे, अब आपका जो है इनवर्स फंक्शन आ जाते हैं। इनवर्स फंक्शन क्या है हमारे, सपोज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, तो यहाँ डिफरेंशियल होता है डी वाई अपॉन डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कहाँ से आए हैं हमारे फॉर्मूले, ये भी यदि हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से, कल हमने लास्ट में फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ये प्रूव कर सकते हैं, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स है तो इसका डिफरेंशियल होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड नंबर पे लिख रहा हूं मैं नेक्स्ट इनवर्स फंक्शन,
sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x होता है 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस, ये सारे फॉर्मूले प्रूव करके देखे जा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे क्या होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से होंगे। अब sin इनवर्स x आ गया डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो देखिए इसको वैसे भी जरूरी है हमें ध्यान रखना कि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये है, तो जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin इनवर्स x होगा, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा, इसका इंटीग्रेशन sec इनवर्स x होगा, तो ये कोरिलेट बनते हुए चल रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट तीन और बच गए जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जैसे फोर्थ है dy dx cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x जो है वो साइन वाले डिफरेंशियल में केवल माइनस लेने साथ में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट dy dx cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x जो होगा उसका डिफरेंशियल होगा आपका जो tan इनवर्स x है उसी में माइनस लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक बात बताई है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जो नेक्स्ट लास्ट आपका हो गया सिक्स, ये है डी बाई डी एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, जो सेक वाला है उसमें हम माइनस लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और नोट कर लीजिए कि तीनों फॉर्मूले वही हैं जो तीनों सी से शुरू हो रहे हैं, उन तीनों के डिफरेंशियल में माइनस आता है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। अब इन पे क्वेश्चन चलते हैं लेकर, जैसे ये है आपका क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x, साइन इनवर्स 3x, ये तो अभी हम इनको क्या करेंगे, जो अभी हमने चैन रूल सीखा था उस चैन रूल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जैसे साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल तो हमारा ये है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले वही है 3x को t मान लेंगे, तो 3x इज इक्वल टू t, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ मैं आपको, तो ये आपका डिफरेंशियल क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और ये आपका हो गया साइन इनवर्स टी, क्योंकि 3x को टी मान लिया। और अब नेक्स्ट क्या होगा, जिसको टी माना है उसका डिफरेंशियल भी करना, तो उसी के अकॉर्डिंग ये फिर से ब्रेक हो गया। आप डिफरेंशियल कीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और 3x का डिफरेंशियल हम जानते ही हैं किसका, 3 हो गया क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 हो गया। अब यहाँ t की वैल्यू पुट कीजिए, तो 3 अपॉन अंडर रूट t की वैल्यू क्या है, 3x, तो 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9, ये आपका डिफरेंशियल, ठीक है। आगे चलते हैं, आ गया समझ में, चले आगे, यस सर, यस सर, चलिए ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, अब आप इसको साथ साथ करके देखिए, y इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट x, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट x है, इसका डिफरेंशियल करना है, तो क्या करेंगे, रूट x इज इक्वल टू t, और रूट x को हमने t मान लिया, तो dy अपॉन dx, फिर से वही चैन रूल से पहला फंक्शन t का, तो dy dt और cos इनवर्स t, जो कर सकते हैं वो करिए साथ साथ, और बताइए कितना आंसर आ गया, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। एक एक मिनट में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया डी बाई अपॉन डी एक्स, कोस इनवर्स टी का डिफरेंशियल होगा माइनस कोस इनवर्स जो होता है उसका डिफरेंशियल क्या होता है, साइन इनवर्स वाले में केवल माइनस आ जाएगा,
वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट में माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये जो तीन चार डिफरेंशियल होते हैं जैसे डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल वन, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशियल वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, वैसे तो ये करके भी बताया गया था, इनको आप डायरेक्ट भी ध्यान कर लीजिए कि उनका ये आता है, और डी बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स, और इसका डिफरेंशियल क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कहीं यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उनको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, और वैसे भी कंपटीशन में तो थोड़ी स्पीड भी तेज होनी चाहिए, स्पीड से करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा और टाइम आपका बच जाएगा। तो माइनस वन अपॉन यहाँ टी की वैल्यू पुट कीजिए अंडर रूट में वन माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर होगा, तो ये आपका एक्स हो गया और वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स ऐसे रहा, बस इसी को लिख दीजिए। तो माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वन माइनस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको आप करके दिखाएंगे, मिटा दूं मैं ये। सर ये लीजिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आपका आंसर आया, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब। थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब एक्स की पावर सिक्स, एक्स की पावर सिक्स बिल्कुल ठीक है, जो आप अपॉन में करेंगे तो उसका जो है स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर थ्री का स्क्वायर होगा तो एक्स की पावर सिक्स बनेंगे, है ना। स्पीड से तो करो क्वेश्चन, लेकिन जो है आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, तो एक्यूरेसी यदि आपकी ठीक आती है तभी फायदा है स्पीड बनाने का, देखिए, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से बन जाएगी। y इज इक्वल टू है tan इनवर्स x क्यूब, तो x क्यूब इज इक्वल टू t, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया डी बाई डी टी और tan इनवर्स t और डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब tan इनवर्स t का डिफरेंशियल करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, यही है tan इनवर्स t का डिफरेंशियल, और अब बस एक्स क्यूब का और कीजिए तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और बस टी की वैल्यू पुट कर दो तो थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर सिक्स। ये हमारा जो है ये इनवर्स फंक्शन के केवल हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट इसमें कौन सा चल रहा है, चैन रूल वाला ही चल रहा है, और अब इसी में आगे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट साइन वाई इज इक्वल टू है साइन ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, अब इसको आप करिए साथ साथ मान के ना करके इसको डायरेक्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड से, तो सबसे पहले क्या होगा, इसको टी मानेंगे, इसको माइंड में सेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जो शॉर्टकट जानते हैं कर सकते हैं प्रैक्टिस, तो वो साथ साथ करते हुए बताएंगे आया, तो साइन टी का हो गया कोस टी, कोस टी की पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू आप करेंगे ई की पावर टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन इनवर्स एक्स को जेड मानना होगा, तो जब हम उसको जेड मान लेंगे तो e की पावर जेड, और e की पावर जेड का क्या होता है e की पावर जेड होता है, तो e की पावर tan इनवर्स x, और अब tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x, बस यही आपका आंसर है। तो जब आपका चैन रूल के कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो
तो आप उसको जो है शॉर्टकट तरीके से बहुत तेजी से कर सकते हैं सर। चलिए नेक्स्ट आपका है इसको प्रूव करना है इफ y इज इक्वल टू इफ y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर देन प्रूव दैट। तो ये आपको प्रूव करना है प्रूव प्रूव दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वन। इस क्वेश्चन में जो अब तक हमने पढ़ाया है वो समय यूज होगा बेसिक। यहां से देखें तो क्या है हमारा डिवाइड रूल, और डिवाइड रूल हम पढ़ चुके हैं पहले, डिवाइड रूल का यूज करते हैं और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू करिए आपके साथ साथ। तो डिवाइड रूल क्या है हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ क्या होता है डिनोमिनेटर यानी कि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और न्यूमिनेटर का डिफरेंशियल साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स और हाँ डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल क्या हो जाता है अंडर रूट वन माइनस एक्स। इस टर्म को तो साथ साथ इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे भी लेफ्ट हैंड साइड में यही आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस तो दिए जाते हैं ऑप्शन में, ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके ऑप्शन बना सकते हैं एक्स वाई प्लस वन एक्स वाई माइनस वन एक्स वाई या टेबल जीरो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बनेंगे अंडर ये आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो भी ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे तो वो पूरा सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर सेम रहा, इसका डिफरेंशियल क्या था वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशियल बताइए। ये ऐसी जो टर्म आती है यहाँ इनका क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानना होगा वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इनटू टू टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू टू एक्स माइनस टू एक्स। ये देखना कि माइनस प्लस की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना गड़बड़ आ जाएगी। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया है, माइनस इसलिए आया क्योंकि जीरो होगा और ये एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा लेकिन यहाँ माइनस होगा। ओके सर ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करना है तो आप सिंपलीफाई कीजिए जो डी वाई बाई डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वन और ये देखिए माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया। सर वन अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आया है। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशियल जो होता है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स होता है, टू आएगा वहां पे तो यहाँ तो होगा ये आपका टू आएगा बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ टू से टू कैंसिल और ये हो गया आपका प्लस x साइन इनवर्स x अपॉन माइनस। अब यहाँ देखिए ये जो टू था मैं यहाँ इसको चेक करते हुए समझ गया था कि ये जो टू है ये एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ जो प्रूवमेंट है वहां पर टू नहीं है, तो जब चेक किया तो ये देखा कि अच्छा टू तो रह गया। अब
एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल है, वाई के, तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख देंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स और इनटू वाई, तो ये आपका प्रूफ हो गया एक्स वाई प्लस वन इनटू वन प्लस एक्स, ठीक है। अब ये हमने पहले चैन रूल, जैसे मैंने क्लास में स्टार्ट होने पे शुरू में बताया था कि आज हम चैन रूल करेंगे, तो चैन रूल पे जो हमारे क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए हैं, और उसके बाद जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं जिसको, उनका डिफरेंशियल कर रहे हैं। अब हमारे कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले कि जो डायरेक्ट ये वाला हम कंसेप्ट यूज ना करके यदि हम वहां कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख देते हैं तो कोई फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, कोई फॉर्मूला बन जाता है, और जब हम उसका डिफरेंशियल करते हैं तो वो इजीली हो जाता है बजाय टी मानने वाले कंसेप्ट से। तो टी वाला कंसेप्ट जो हमारा चैन रूल का है ये तो बेसिक मेथड है, इसके अलावा जो है हमारा एक मेथड ये है कि इनवर्स फंक्शन वाले सवालों में हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करके कोई फॉर्मूला बना लेते हैं और तब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो थर्ड टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। तो जब इसको हम पूरे सिस्टम लगा देते हैं तो वो नेट चलता रहता है। चलिए जैसे ये है आपका क्वेश्चन साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो देखिए वैसे तो हम इसको t वाले कंसेप्ट से कर सकते हैं कि वन माइनस टू एक्स स्क्वायर को t मान लो तो ये हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, तो वहां हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना के एक्स की जगह कोई वैल्यू में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करेंगे तो कोई फॉर्मूला बनेगा और तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए क्या है वो मेथड, एक्स इज इक्वल टू यदि हम यहाँ पर बताइए क्या लिखें, कोई वैल्यू पुट करनी है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो एक्स इज इक्वल टू यदि हम यहाँ पे कोस थीटा रखें, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू होता है कोस इनवर्स एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल आप इधर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। अब देखिए तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स हम यहाँ वन माइनस क्या लिख दिया एक्स की जगह पुट कर दिया टू कोस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है वन माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा, बताइए किसका फॉर्मूला है, वन माइनस टू कोस थीटा से होगा, और ये ध्यान नहीं दिया कोस टू थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं मैंने ध्यान नहीं दिया कि जब चलो यदि होता टू एक्स स्क्वायर माइनस वन तो एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा रखा जाता, यहाँ रखेंगे हम एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा, तो कोस टू थीटा के हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट ये होता है कोस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट होता है कोस टू थीटा इज इक्वल टू टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक और होता है कोस टू थीटा जो टेन की फॉर्म में होता है, बताइए किसी को यदि याद है टेन की फॉर्म में तो क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें देखेंगे, जैसे कि हमारा साइन इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर है,
और यदि ऐसा होता टू एक्स स्क्वायर माइनस वन तो आपको हम यहाँ रखते हैं x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो ये वाली फॉर्म बन जाती। और अब हम ये वाली फॉर्म बना रहे हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला तो कोस थीटा ही बनेगा। x इज इक्वल टू साइन थीटा तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स x होगा। तो ये अब आपका क्वेश्चन आ गया डी वाई बाई डी एक्स जब डिफरेंशियल वेरिएबल के ऐसा लिखिए तो हमारी फॉर्मूला बनना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमारे फॉर्मूले आने चाहिए, सब हमारे फॉर्मूले याद होंगे। तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उनको आप याद कर लें, तो वहां तब हमारी कंडीशन बनती है फॉर्मूले को बनाने के लिए। 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स कोस टू थीटा, ठीक है। यहां से फॉर्मूला हमारा ये बन रहा कोस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि जो कोस है इसको साइन में चेंज करना है, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन फाइव बाई टू माइनस टू थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे जो इनवर्स वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स और ये साइन है, तो हमारा क्या बचेगा केवल एंगल बचेगा। तो y इज इक्वल टू ये आपका बच गया 5 बाई टू और माइनस टू थीटा। अब हम जो थीटा हम लेके चले थे तो थीटा की x इज इक्वल टू साइन थीटा था, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ साइन इनवर्स x। तो यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ थीटा की वैल्यू क्या होगी y इज इक्वल टू फाइव बाई टू माइनस टू और साइन इनवर्स। तो अभी तक का जो ये वर्क है ये टेंथ इलेवेंथ क्लास वाला है कि जब हम इसमें जो है कि कोई फॉर्मूला बना रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखने के बाद। अब यहाँ से डिफरेंशियल कीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू का डिफरेंशियल होगा जीरो और साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका आंसर आ गया टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में ग्रेस मेथड में हमें ये देखना होगा कभी कभी ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है यदि हम उसको डायरेक्टली मान के करें तो बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, टाइम ज्यादा लगता है। और एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा और क्लियर हो जाएगा मेथड आपको बेटा दे। चलिए जी ये है आपका क्वेश्चन y इज इक्वल टू कोस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स। देखिए अब यदि हम इसको जो है डायरेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाला होता है, तो इसका होल स्क्वायर करना होगा और इनटू फिर इसका डिफरेंशियल करना होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे यहाँ देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करने पे क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है। तो बताइए क्या यहाँ कोई फॉर्मूला बन सकता है भैया कॉस थ्री थीटा का बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू यदि हम यहाँ पर कॉस थीटा या कॉस ए पुट करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स। तो और कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ एक होता है साइन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। कोस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर कोस क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स। तो हमारे फॉर्मूले होने चाहिए उसके। तो अब यहाँ क्या होगा x इज इक्वल टू cos थीटा पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स
और cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यदि फॉर्मूला हमारा ध्यान है तो ये क्वेश्चन बहुत तेजी से आपका हो जाएगा मुश्किल से एक मिनट में। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स और यहाँ 4 cos क्यूब थीटा ही आपका जिससे ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो क्या लिख सकते हैं हम cos 3 थीटा। तो कितना बच गया y इज इक्वल टू 3 थीटा और थीटा की वैल्यू रखो यहाँ से तो y इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स x। अब यहाँ से डिफरेंशियल करना है और ये वाला वर्क क्या था हमारा कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करके और हमें कोई फॉर्मूला बनाना था तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब डिफरेंशिएट कीजिए तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू ये आपका होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया माइनस 3 अपॉन और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक है ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे नेट की वजह से यदि कोई प्रॉब्लम आती है या दिखाई ना दे रहा हो तो आप बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस। ये है तो यहां हमें क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में यहां से थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा y इज इक्वल टू डिफरेंशियल करने से पहले इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं। ऊपर से cos x कॉमन करें तो यहाँ होगा 1 माइनस साइन x अपॉन cos x। यहाँ भी cos x कॉमन करें तो 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। एग्जाम में आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एक बार मेथड आपसे क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स cos से cos कैंसिल हुआ 1 माइनस इसको लिख सकते हैं tan x और अपॉन 1 प्लस tan 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ये क्वेश्चन यहाँ से भी होता है सॉल्व करने के लिए। अब हमें क्या लिखना है कि ये जो 1 है इसकी जगह तो लिखेंगे tan pi by 4 y इज इक्वल टू इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 की जगह हम लिखेंगे tan pi by 4 tan 45 की वैल्यू 1 होती है और माइनस का tan x अपॉन ये 1 ऐसे रहा प्लस इसको 1 इंटू करके मान सकते हैं। तो ये वाला जो 1 है ये आपका हो जाएगा tan pi by 4 और इंटू tan। अब ये देखिए कोई फॉर्मूला बन गया फिर से tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला आपका बन गया और tan a माइनस b का फॉर्मूला ये आपने पढ़ा हुआ है और मैं फिर से लिख देता हूँ tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b और अपॉन 1 प्लस tan a और इंटू tan। तो बन गया y इक्वल टू यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ से यदि t मान के करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो सकती है टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। लेकिन यदि हम इस फॉर्म में चेंज करके कर रहे हैं तो ये देखिए बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन हुआ tan इनवर्स और ये हो गया tan 5 by 4 और माइनस x। ये ऐसी फॉर्म में हो सकती है कि यहाँ न्यूमरेटर में प्लस हो और डिनोमिनेटर में माइनस हो। तो ये आपका बन के आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए क्या बन गया यहाँ पर tan इनवर्स है और ये tan है तो ये क्या बच गया केवल y इज इक्वल टू 5 by 4 माइनस। तो अभी तक तो ये सिंपलीफिकेशन कर रहे थे तो सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ से डिफरेंशियल कीजिए तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी बने हुए आते हैं जब एग्जाम में, तो 1 -1 0 ठीक है, या नन ऑफ दी, इस तरह से बन जाते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया 5/4 का 0 हो गया और x का आपका 1 डी वाई बाई डी एक्स -9। इसका मतलब है कि यदि ये क्वेश्चन यहाँ न्यूमरेटर में प्लस हो और डिनोमिनेटर में माइनस हो तब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तब प्लस बना जाए। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, बस यही तक तो मेथड रखेंगे। एक और क्वेश्चन में बता देता हूँ और इससे आगे का जो मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी दो क्लास और होंगी तो उन दो क्लास में कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा। ये सेकंड क्लास है, टोटल 4 क्लास होंगी जिनमें डिफरेंशिएशन आपका होगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लीट में, जैसे ये y = y (x - 1) (x + 1) + (x + 1) (x - 1). ये कंपटीशन में कुछ होगा, कुछ नहीं, कुछ आइडिया दीजिए, देखिए कैसे हो सकता है। जीरो आएगा मेरे स्थान से, आओ कैसे इसको सॉल्व करना है, ये कम बहुत पूछा जाता है। ये हमारा जो सेकंड वर्स है, सेकंड वर्स x, वो हम इनवर्स रेसिप्रोकल फंक्शन जो होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड वर्स x = होता है cos इनवर्स 1/x। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा। तो ये जो सेकंड वर्स x है, पहले हम इसको इससे चेंज करेंगे और फिर इसका डिफरेंशियल टेबल आपका 10 सेकंड का है, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x - 1/(x + 1) + इसको जब आप चेंज करोगे तो 1/(x) करोगे तो ये टर्म आपकी न्यूमरेटर में आ जाएगी x - 1 और ये आपकी इसमें आ जाएगी। ठीक है, और वहीं पर एक फॉर्मूला और था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि एग्जाम में जो होते हैं वो कंपटीशन बेस्ड सीधा लॉजिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इसकी वैल्यू होती है 5/2। तो उन क्वेश्चंस पे केवल ट्रिक्स लगती हैं या कोई टेक्निक लगती है, तो देखिए केवल इसको चेंज किया तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया और इससे हम इसको क्या लिख सकते हैं, y = क्या हो गया, अब डिफरेंशियल कीजिए तो dy/dx = क्या हो गया, 5/2 का डिफरेंशियल 0। इसके भी जो ऑप्शन होंगे वो इसी तरह हमें होते हैं कि a में ऑप्शन होगा 1 - 1 0 या cos इनवर्स x या कोई भी ऑप्शन भी दूसरा दिया जा सकता है। तो अब ये साइन इनवर्स के साथ है, दूसरे हमारे और भी फॉर्मूले होते हैं, साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x = 5/2। इसी प्रकार क्या होता है, tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x, ये भी 5/2 होता है, और sec इनवर्स x और प्लस cosec इनवर्स x, ये भी आपका 5/2। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है इन दोनों टाइप की फॉर्म में भी आ सकता है, कोई नया क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमने वहां किस तरह से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो कर लिया है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप उनको करके देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होता है और इसके बाद आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, तब हम उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अब मैं बस कुछ आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनकी आप प्रैक्टिस करके देख लेंगे। देखिए नंबर 1 डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स √(1 + x²-1)/(x) और सेकंड है आपका tan इनवर्स
tan इनवर्स 3 a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3 a x। और कुछ क्वेश्चंस हमारे जो हैं जैसे tan रूट कराया गया था उस पर आधारित हैं, या इनवर्स के जो दूसरे क्वेश्चंस थे उनका मैं इनको लिखता हूँ। 3 जैसे cot cube x नंबर 4 log अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x। ये सब जो प्रैक्टिस cos x अंडर रूट x cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट 7 अंडर रूट cot इनवर्स अंडर रूट x a की पावर ax sin इनवर्स bx। नेक्स्ट है आपका sin इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x और प्लस अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन और टेन है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। ये टोटल 10 क्वेश्चन है और ये सारे हैं जो आज की क्लास पर डिपेंड है, जो आपको आज सिखाया गया है उसी पर बेस्ड है। इन क्वेश्चंस को आप करके देख लेंगे और जो नहीं होगा उसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ से आपका आगे का डिफरेंशियल सिखाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, गुड इवनिंग। नमस्ते, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। ओके।